आज 4 दिसंबर है। आज का हमारा इतिहास कलकत्ता स्थित विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है, तो आज इससे जुड़ी हर एक जानकारी के लिए बने रहें एन भारत के साथ। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता में स्थित संगमरमर वास्तुकला का बेहतरीन नमूना और इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को समर्पित है। इस ऐतिहासिक विक्टोरिया मेमोरियल हॉल को अस्तित्व में आए आज 100 साल से अधिक हो गए हैं। विक्टोरिया मेमोरियल एक राजसी सफेद संगमरमर की इमारत है जो भारत के कोलकाता के केंद्र में 64 एकड़ विशाल बगीचों के बीच में स्थित है। वहीं अगर वास्तुकला की दृष्टि से देखें तो ये समकालीन ब्रिटिश नागरिक क्लासिकिज्म को प्रतिबंधित करता प्रतीत होता है। आपको बता दें कि विक्टोरिया मेमोरियल की कल्पना लॉर्ड कर्जन ने 1901 में की थी, लेकिन पुराने अभिलेख के अनुसार इस स्मारक की आधारशिला तत्कालीन प्रिंस ऑफ वेल्स बाद में राजा जॉर्ज पंचम ने 4 जनवरी 1906 को रखी थी। वहीं इस इमारत का उद्घाटन 28 दिसंबर 1921 को कोलकाता में तत्कालीन प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत के अपने शाही दौरे के दौरान किया था। इमारत से संबंधित पुराने अभिलेखीय दस्तावेजों के अनुसार विख्यात उद्योगपति सर राजेंद्र नाथ मुखर्जी ने ठेकेदारों की तरफ से शाही अतिथि को एक रत्न जड़ित चाबी सौंपी थी, जिसे वेल्स के राजकुमार ने इसका दरवाजा खोला था। इस दौरान कई गणमान्य लोग वहां मौजूद थे, जिनमें बंगाल के तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड रोनाल्ड शाय समेत अन्य लोग शामिल थे। आपको बता दें कि संरचना के निर्माण करने के लिए भारत के भीतर से धन की व्यवस्था की गई और उस समय के प्रमुख ब्रिटिश वास्तुकारों में से एक विलियम एमर्सन को नियुक्त किया गया, जिसे ब्रिटिश भारत की राजधानी के शहर के केंद्र के लिए भवन का डिजाइन तैयार करने को कहा गया था। इमारत के निर्माण में इस्तेमाल किया गया संगमरमर राजस्थान के उसी मकराना खदान से लाया जाता है जिसका उपयोग ताजमहल के निर्माण के लिए किया गया था। इसकी पूरी रचना को विजयदूत की एक कांस्य प्रतिमा द्वारा ताज पहनाया गया जो 16 फीट ऊंची है। स्मारक के किनारे खुले स्तंभों से जुड़े हुए हैं और दक्षिणी प्रवेश द्वार में राजा एडवर्ड सप्तम की स्मृति में एक विजयी तोरण द्वार के माध्यम से पहुंचा जाता है। वहां स्वयं लॉर्ड कर्जन की एक मूर्ति है और प्रवेश कक्ष में शाही शख्सियतों की कांस्य मूर्तियां और संगमरमर की मूर्तियां हैं और दीवारों को रानी विक्टोरिया के जीवन से दृश्यों और उनकी शाही उद्घोषणाओं के ग्रंथों को दर्शाने वाले भित्ति चित्रों से सजाया गया है। इसके कमरे रॉयल्टी और साम्राज्य से संबंधित पेंटिंग, मूर्तिकला, कलाकृतियों, किताबों और पांडुलिपियों के महत्वपूर्ण संग्रह प्रदर्शित करता है। लेकिन वर्तमान सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करने का निर्णय लिया। ये उच्च स्तरीय समिति ने 23 जनवरी 2021 से शुरू होने वाले एक साल के स्मरण उत्सव के लिए गतिविधियों की देखरेख करने लगी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व वाली भारतीय राष्ट्रीय सेना द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियारों की एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जनवरी को अपनी कोलकाता यात्रा के दौरान किया, जिसे 28 जनवरी से जनता के लिए खोल दिया गया। नेताजी के उस पराक्रम और उनके इस्तेमाल किए गए वस्तु को देखने के लिए आज हजारों लोग बड़े ही श्रद्धा के साथ जाते हैं। इतिहास से जुड़ी और बातों को जानने के लिए जुड़े रहिए एन भारत के साथ। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए।